श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 26। मैत्रेयोवाच इति अर्चितः सः भगवान् अतिदिश आत्मनः पदं बालस्य पश्यतः धाम स्वं अगात गरुड़ध्वज। मैत्रेयोवाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिश्य आत्मन पदम् बालस्य पश्यतो धाम संगाद गरुड़ध्वज। मैत्रेयोवाच इत्यर्चितः स भगवान् दिश्यात्मनपदम् बालस्य पश्यतु धाम संगाम गरुड़ध्वज। मैत्रेयोवाच इत्यर्चितः स भगवान् दिश्य आत्मनपदम् बालस्य पश्यतो धाम शृंगाद गरुड़ध्वज। मैत्रेयोवाच इत्यर्चितः स भगवान् मैत्रेय उवाच अर्चितसो भगवान् आदित्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम गमगाद गरुड़ध्वज। शुभदात्त धन्यवाद।
मैत्रेय उवाच। मैत्र ऋषि ने आगे कहा, इति जिस प्रकार अर्चिता सम्मानित एवं पूजित होकर स परमेश्वर भगवान भगवान अतिदिश्य प्रदान करके आत्मनः अपना पदम वासस्थान बालस्य जबकि बालक पश्यतः देख रहा था धाम उनके धाम को स्वं अपनी अगात वे लौट गए। गरुड़ ध्वजा भगवान विष्णु जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठकर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को अपना ही धाम दे दिया। उनके धाम का वर्णन भगवद गीता में हुआ है, यद गत्वा ननुवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। और इस 26वें श्लोक में आज मैत्र मनु जी कह रहे हैं, क्योंकि वो कथा कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। तो प्रसंग हम सब जानते हैं कि अभी ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अब उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होने पर उस अबोध बालक जो कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, माता सुरुचि के तीक्ष्ण शब्दों से पूरी तरह से क्रोध में ग्रस्त था। अपनी माता सुनीति के मार्गदर्शन से अब वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु की, ताकि उन्हें मनोवांछित फल मिल सके। और रास्ते में नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन चेक किया कि अपने नाम की तरह है कि नहीं, ध्रुव है कि नहीं। जैसे हम लोग अपने जो नाम रखते हैं कई बार हम ऐसे होते नहीं, तो
पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? भगवान विष्णु को प्राप्त करने। अच्छा, बट तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, लेकिन जाना है। बेटा जंगल में शेर होंगे, भालू होंगे, चीता होंगे, तुम्हें खा जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते बेटा थोड़ा बड़े होके आ जाना, इतनी उम्र में क्या है? और घर में छोटी मोटी बात होती रहती है, माँ ने बोल दिया, ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए। कहते नहीं, अगर आप मेरी मदद कर सकते तो बताओ, क्षमा कीजिएगा, नहीं तो आप जाओ, है ना। कहते भाई दृढ़ है ये तो, बोलो क्या हेल्प चाहिए? कहते बताओ क्या करना चाहिए मुझे। कहते ठीक है, जाके विग्रह बनाना, 3 बार स्नान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना, और इस प्रकार तपस्या कर भगवान को प्रसन्न करो। अब ध्रुव महाराज चल पड़े। 6 महीने तक बहुत कठिन तपस्या की, उसके कई बार हम सुन चुके हैं। और जब देवताओं ने भगवान को अप्रोच किया कि हम उसको सांस नहीं लिया जा रहा, पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, पूरे ब्रह्मांड में हवा ही नहीं बची सांस लेने के लिए, प्रणाम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा बस हम शीघ्र पहुंच रहा हूँ, तुम पहुंचो मिस। और तुरंत भगवान ध्रुव महाराज के सामने पहुंचे, प्रकट हो गए। भगवान कैसे आते? अपने वाहन गरुड़ पर बैठ कर आते, और गरुड़ से उतरे, शंख चक्र गदा पद्म लिए ध्रुव महाराज के समक्ष खड़े हो गए। इससे पहले भी ध्रुव महाराज जानते हैं कि विष्णु भवन कैसे होते हैं, घरों में विग्रह या चित्र देखे होंगे उन्होंने कभी पहले, तो मालूम था। तो जैसे भगवान सामने, और ऐसा अद्भुत रूप देखा भगवान का, दिव्य रूप, दधिप्यमान, कांति से युक्त, नीले रंग का शरीर भगवान का, चतुर्भुजा, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लिए, सुंदर मुकुट पीताम्बरी धारण किए हुए, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, और इस प्रकार देखकर ध्रुव महाराज जो हैं भाव विभोर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जब यमराज के दूत अजामिल को लेने आए तो उसी समय विष्णु दूत भी पहुंच गए। ये विष्णु दूत भी देखने में भगवान विष्णु की ही तरह थे, 4 भुजाएं थे, सनत सनंदन नाम के 2 दूत पहुंचे थे प्लेन पर। जब उनका रूप देखा और उन्होंने उनको रोका कि तुम इनको नहीं ले जा सकते, तो बड़े आश्चर्यचकित थे, ऐसा अद्भुत रूप पीताम्बरी, ये सारे नैलनक्ष देखे तो हैरान थे, क्या देवतुल्य लोग रख रहे हैं, बुद्ध तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। इसका मतलब क्या है कि भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो उस लोक से आए हैं 4 भुजाओं वाले, वो अपने आप में इतने सुंदर और आकर्षक होते हैं, लोग उसी से मोहित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमसे कुछ अलग है, कोई अथॉरिटी है, जब साक्षात भगवान आएंगे तो ऑब्वियसली हर कोई आकर्षित हो गई। तो जब भगवान सामने आए गरुड़ पर बैठकर और शंख जो है माथे पर छोड़, क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे बच्चे, ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अभी आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने शंख को, 5 जन्य शंख को छू दिया, ध्रुव को छुआ, और जैसे ही तो पुलकित हो उठा, पूरा का पूरा ज्ञान ट्रांसफर हो गया हृदय में, सही क्या है गलत क्या है। अब हम पूरा जीवन तपस्या करें, पहले तो ऐसी तपस्या नहीं कर पाएंगे, छोटी मोटी करते भी हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं। मान लीजिए एकादशी रख भी ली, तो पहले तो बताते हैं सबको भी हमने एकादशी रखी आज, थोड़ा दूर रखो उसे, दूर रहो उसे। तो चलिए अगर रख भी ली तो उसमें तो 3 संध्या मिनिमम भोजन करते हैं, है कि नहीं, क्या क्या खा सकते हैं क्या क्या नहीं खा सकते हैं, पहले तो इसकी लिस्ट आती है, उसके बाद लगती है व्रत रखना शुरू करता है। कुट्ठू में क्या क्या बन सकता है, राजगीर के आटे में क्या हो सकता है, सामा के चावल से क्या क्या पकवान बन सकते हैं, अच्छा मखाने भी डाल सकते हैं, पनीर तो वाओ थैंक गॉड पनीर आपने अलाउ कर दिया, है ना, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पकौड़े शकोड़े बनते हैं, साबुदाना और पता नहीं क्या क्या, व्यक्ति कहता कमाल हो गया, ये है एकादशी। 3 बार खा के भी व्यक्ति एकादशी का पालन कर रहा है, क्योंकि उसमें अन्न नहीं है, ग्रेन नहीं है। तो ऐसी तो हम लोग तपस्या करते हैं, और ध्रुव महाराज की तपस्या देख ली, तभी 6 महीने में भगवान के सामने आ गए, भैया क्या कर रहे हैं, रुलाएगा क्या,
है ना, इतनी तपस्या। और हमारी तपस्या हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे आचार्यों ने कह दिया कि ठीक है कर लो, तो उसी का फल मिल रहा है हमें, अन्यथा ऐसी कोई तपस्या के अंदर हमारा योगदान नहीं है कुछ। एक निर्जला रखते हैं तो समुद्र में छलांगे मार दे, सपने में नदियां दिखाई देती हैं। और तो ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए, और उसके बाद शंख छुआ, अब ग्लोरीफाई करना शुरू कर गया ध्रुव महाराज। प्रसन्न हुए भगवान और अब कहा कि तुम्हें मैं वो सब दूंगा जो तुमने मांगा था, जिसके लिए तुमने तपस्या की थी। लेकिन अब ज्ञान में वो बोल रहे मुझे वो सब नहीं चाहिए। देखिए कहते भाई तपस्या तो तुमने इसीलिए की थी। तो दो तीन श्लोकों में भगवान ने क्या कहा, पहले तो तेरे को मैं अपना एक प्लॉट दे रहा हूं। कितने गज का प्लॉट दिया ध्रुव था, जैसा नामकरण तेरी प्रॉपर्टी पे मैंने रजिस्ट्री करा दी है, फ्री होल्ड है ना, फोटो वोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से चलेगा वो प्लॉट। तो ध्रुव महाराज को वो प्लॉट दे दिया भगवान ने, लो भाई तेरा हो गया ये, है ना, कोई कब्जा नहीं करेगा इसमें, चाहे तू रहे चाहे ना रहे। तो ये काम कर, तो 36,000 साल पहले यहाँ भी कर ले, 36,000 साल तक तुम राज्य करो, तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ेंगी, वृद्ध नहीं होंगे, तुम राज करो। और जो मैंने पोल स्टार जो ध्रुव प्लॉट दिया तुम्हें, उस पर कोई कब्जा भी नहीं करेगा। यहाँ पर आप एक प्लॉट ले लो तो उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं जाके ना, बार बार हर महीने चक्कर लगाना पड़ता है। क्यों भाई क्यों चक्कर लगा रहे हो, नहीं तो कब्जा हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने कब्जा किया आपके जैसे पेपर लेके बैठा है कि नहीं, जिससे आपने खरीदे हैं ओरिजिनली, वो भी पेपर दिखा रहा है कि मैंने भी खरीदे इससे। कहते ये पोर्ट में आ जाओ 10-15 साल, वो कहता है यार ले देखे बता कितना कर रहे हैं, कहते ये तुम्हारा काम है। इसलिए व्यक्ति जो है अपने प्लॉट में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के लिए उन्होंने बोल दिया तेरा नाम ध्रुव महाराज, ये ध्रुव प्लॉट तेरा, कोई कब्जा नहीं होगा, भगवान ने दिया अपना इटरनल शाश्वत प्लैनेट उसको। तो इस प्रकार उनको प्राप्त हो गया और कहा कि तुम पूरा राज्य करोगे पूरे उसके साथ। और अब जैसे ही भगवान ने सब दिया, ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया। अब मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित हुए भगवान तथा सम्मानित भी हुए, सम्मान भी दिया पूरा उसने। अब ज्ञान में आ गए तो उसको मालूम है ना क्या करना है। अब किसी को ज्ञान ही ना हो कि करना क्या, भगवान के आने पर तो मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया 5 साल के बालक को, और उन्हें सम्मानित भी किया, पूजित भी किया भगवान को, परिक्रमा भी की। अब भगवान ने क्या किया, अपना धाम उनको देकर, जो ध्रुव तारा है, जो लोग अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर चढ़ गए और ध्रुव के देखते देखते, ठीक है ना, गरुड़ एयरलाइन से भगवान अपने धाम को चले गए। गरुड़ एयरलाइंस कहाँ की है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो जगह है वहां की जो एयरलाइंस का नाम है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस, है ना, विशाल। हमारे देश के राजनेता गए वहां पर, फिल्म नेता नहीं राजनेता सर, तो उन्होंने देखा रहे वहां तो रामायण होती है, हर चौक पे जो है कृष्ण अर्जुन का संवाद के वो लगे हुए, तो हैरान थे। उनसे पूछे कि भाई तुम मुस्लिम देश हो और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके देश में मुस्लिम्स की, उसके बावजूद ये हिंदू चिन्ह, ये राम की पूजा, रामायण, ये सब कैसे होता है। कहते जी हमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप चेंज किया है, अपना धर्म नहीं बदला, अपने पूर्वज नहीं बदले, हमें मालूम है कि हमारे पूर्वज राम थे, इसलिए वहाँ के जा रहे जितने भी चिन्ह हैं वो आपको भागवतम से और इन सब चीज़ों से मिलेंगे, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ गली गली में होता ना, कोई मांस का टुकड़ा डाल दो तो अगले लड़ाई ना, कोई कुछ ये कर दो तो लड़ाई, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पर बड़े शांत रहते सारे लोग, सारी पॉपुलेशन ही मुस्लिम्स की है और कुछ हिंदू भी रह रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर कभी कुछ ऐसा नहीं है कि हम क्यों करें, ऐसा नहीं। ज्ञान है, यह खाली नहीं है, भरा हुआ है ज्ञान से,
जिनका खाली होता है वो तो क्या खालिस्तान चाहिए, हमें दो भाई। इस प्रकार भगवान ने ये सब दिया और अब भगवान चले गए। कुछ प्रश्न होते हैं जैसे आज के इससे पता चल रहा है क्या, एक तो गरुड़ की पीठ पर, तो मैं अभी थोड़ी स्टोरी पढ़ रहा था उसमें कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे कि भगवान ने भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी क्यों हैं, या फिर भगवान की जो ध्वजा है उस पर गरुड़ क्यों अंकित होते हैं, और फिर गरुड़ जो हैं सर्पों के, उनके अंदर मतभेद क्यों रहता है, सर्प उनके भोजन क्यों हैं, है ना, और फिर जो सर्प हैं उनकी जीवा क्यों कटी होती है, देखा आपने, देखा ना, हाँ कटी होती है, आप पास से तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, लेकिन जो जीभ बाहर निकालते हैं तो दो निकलती हैं उसमें से, तो कटी क्यों होती है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैं कथा पढ़ रहा था तो उसमें ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें बताते हैं कि इस कथा में कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी जिनका नाम था कद्रु और विनिता, है ना, विनिता। तो इन दोनों की सेवा से कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए, एक सर्पाकार की अधिष्ठाता थी और एक पक्षियों की अधिष्ठाता हुए, तो इनसे प्रसन्न हुए और उनको कहा कि आप मुझसे वर मांगिए, क्या चाहिए तुम्हें। तो कद्रु ने तो कहा कि मुझे 1000 पुत्र दीजिए, शक्तिशाली विशाले सर्प, सर्प है तो सर्प ही मांगी, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। विनिता से पूछा तुम्हें कुछ चाहिए क्या, उसने कहा मुझे 1000 तो नहीं चाहिए, मुझे आप 2 ही दे दो, बलशाली हूँ शक्तिशाली हूँ तेज, और सर्पों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, 2 पक्षी दे दो, है ना, जैसे चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि एक चंद्र तमो हंति नाचा तारा गणरपि, कि एक चंद्रमा ही हो, चंद्रमा के समान ही पुत्र हो तो वो 1000 तारों से अच्छा है। और इस प्रकार विनिता ने क्या मांगा कि 2 पुत्र, तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। कुछ समय बाद वो दोनों गर्भवती हुई, कश्यप मुनि जी वहां से चले गए, और फिर समय आने पर लगभग 500 वर्ष बाद कद्रु को लगभग उनके 1000 अंडों में से 1000 नाग पैदा हुए। अब विनिता के 2 अंडे अभी भी ऐसे पड़े थे क्योंकि सेविकाओं ने उसको गर्म स्थान पर रखा हुआ था, तो उसमें से निकल ही नहीं थे, वो बड़ी परेशान हो गई, ईर्ष्या द्वेष तो होता ना थोड़ा सा कि इसके बच्चे हो गए हमारे नहीं हो रहे, है ना। तो उसने क्या किया, अपना एक अंडा फोड़ दिया कि टाइम से पहले विनिता ने, तो उसमें से क्या हुआ, जो बच्चा निकला वो आधा तो बलिष्ठ था और पीछे का अंग, उसका शरीर से नीचे का अंग कमजोर था। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, अरे प्रीमैच्योरली तुमने सिजरियन करा दिया, है ना, और कहा कि ऐसे क्यों कर दिया तुमने, बड़ा गुस्सा चढ़ा, देखो मेरा अंग जो है ठीक नहीं है। तो माता विनिता से बड़े दुखी हुए बालक, उन्होंने श्राप दे दिया अपनी माता, कहते तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें लगभग 500 साल तक जो है दासी का के रूप में रहना पड़ेगा, और अगर तुमने दूसरा पुत्र भी ऐसे कर दिया, अंडा तोड़ दिया, तो क्या होगा, खराब होगा, बच्चा जाएगा तो ये तुम्हें इस शाप से मुक्त कराएगा। कहते ठीक है जी, नहीं तोड़ूंगी। इतने में वो जो बालक था वो ऊपर उड़ा और सूर्य देव की तरफ बढ़ पड़ा, और वहां जाकर उसको अरुण नाम से, अरुण दिलो, तो अरुण जो लालिमा है वो सूर्य का सारथी बना, जाके सूर्य का रथ चलाने वाला, तो अरुण, तो वो बालक वो बन गया। अब कुछ समय के बाद दूसरा पुत्र हुआ, और वो कौन था, गरुड़ जी अर्थात पक्षीराज गरुड़। तो बड़े लंबे चौड़े थे, बढ़ते गए
सबको लगा भाई क्या हो गया इतने बड़े आ गए, तो फिर उन्होंने अपना शरीर थोड़ा छोटा किया। तो अब जो है एक दिन विनीता और कद्रू खड़े थे आपस में, तो उन्होंने देखा आकाश में उच्छैवा करके अश्वा उच्छैवा नाम का घोड़ा देखा। ये वही था जो अमृत मंथन करते हुए, समुद्र मंथन करते हुए उसमें से प्रकट हुए थे। तो उसने बोला बता तेरे को क्या लगता है कौन से रंग का, बड़ी दूर था ना, तो दूर से तो कोई भी चीज देखे तो कैसे लगती है, काली लगती है। तो कद्रू ने विनीता से पूछा कि इसका रंग बता, उसने कहा सफेद है, बिल्कुल साफ चिट्टा सफेद है। वो कहती अच्छा, कहती बट मुझे लग रहा है कि ये सफेद तो है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कहती अच्छा, कहती शर्त लगाए, कहते क्या, कहते अगर तो जो मैं बोल रही हूं ये सफेद है लेकिन पूंछ काली है, अगर तो सही निकला तो तू मेरी दासी बनेगी। वो कहते ठीक। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए फिर से देखने के लिए, बादल हटे और फिर से घोड़े के दर्शन हुए, थोड़े नजदीक जाने लगे। तो इधर कद्रू को लगा कि मैंने बोल तो दिया, पूंछ भी वाइटी लग रही है। तो उसने अपने बच्चों को बोला 1000 नागों को, इधर आओ सुनो, तुम क्या करो, तुम जाओ ऊपर और उस घोड़े की पूंछ के साथ चिपक जाओ ताकि उसकी पूंछ सफेद की जगह क्या लगे, काली लगे। कुछ बच्चों ने तो कहा यार ये मम्मी कैसे इंस्ट्रक्शन दे रही है पहली पहली, है ना, हम तो नहीं मानते, कोई ने मानना मना कर दिया। तो कद्रू ने श्राप दे दिया अपने बच्चों को कि तुम जो हो ना आगे चलकर जन्मजय यज्ञ करेंगे तुम उसमें जाके भस्म हो जाओगे, श्राप दिया। वो बाकी ने डर गए, कहते भी हमको मरना पड़ेगा, कहता मम्मी की बात मान लेते। तो सारे लोग चल पड़े, बाकी को और भी डर था वो भी साथ में चल पड़े। तो ये सारे जाकर घोड़े की पूंछ में जाके चिपक गए। और जब विनीता और वहां पहुंचे दोनों कि देखा तो क्या है, तो देखा देखो विनीता मैंने कहा था ना कि इसकी पूंछ काली है, कहते हाँ, कहते चल अब तो मेरी दासी बन जा। उसको दासी बना लिया। और फिर एक बार ऐसे घूमते घूमते कद्रू ने कहा विनीता को, सुने बड़ी सारी दर्शनीय स्थान है, बड़े बड़े द्वीप है समुद्र के इधर उधर, तो चलो मुझे वो सब दिखाने ले चलो। तो कद्रू बैठ गए विनीता के और कहा भाई मेरे 1000 बच्चे भी तो हैं। तो गरुड़ को बोला ड्राइवर गाड़ी निकालो, है ना, ऐसा होता तुम सारे इस पर बैठ जाओ। तो सारे के सारे गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए, 1000 सांप नाग, कहते चलो बोल लो दिखाओ दीप हमें। वो आकाश में लेके उड़ उड़ा के गरुड़ जी को उठा के ले गए, उनको ले गए। गरुड़ जी तो इतना तेज उड़ते थे, इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि सूर्य की तरफ चले गए, और सूर्य की रोशनी जितना पास जाओगे तो गर्मी बढ़ गई, तो उनके सांपों के तो शरीर झुलसने लगे, वो भस्म से होने लगे। फिर कद्रू ने कहा ये क्या हो रहा है, तो उसने तुरंत प्रार्थना करी देव उनसे बादलों से कि भी थोड़ा मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो उन्होंने वर्षा की और वो थोड़े सांपों को पानी पड़ा तो ठीक हो गए। फिर इधर घुमा उधर घुमा, कहते भी बीच में हमने कई द्वीप देखे थे, अब तो मैं वहां ले चलो बड़ा, कहीं गाड़ी मोरू कहीं गाड़ी मोरू। गरुड़ जी को बड़ा अजीब लगा, कहते भाई हम लोग इनकी सेवा क्यों कर रहे भाई। फिर नीचे उतरने के बाद गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को कहा, माँ मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये कद्रू आपके ऊपर और ये बच्चे मेरे ऊपर और हम इनको घुमा रहे हैं हर जगह, ऐसा क्यों। तो माँ ने बताया, कहते बेटा एक बार ना हमने शर्त लगाई थी उस शैव जो है घोड़ा उसको देखकर कि वो सफेद है और उसकी पूंछ काली है, तो मैंने कहा नहीं सफेद ही था, तो उसने कहा नहीं काली है, तो काली निकली जब देखा तो तब से मेरे को इसकी दासी बनना पड़ा। तो गरुड़ को बड़ा बुरा लगा, बस इतनी सी बात के लिए मैं तो दास बने ना, तो गुस्सा तो था सांपों सब। फिर गए ये सारे भाइयों के पास, सुनो भाई साहब तुम अपने भाई लगते हो है ना, तो ये बताओ कि जो मेरी माता को जो ये दासी बन के रहना पड़ रहा है, तुम्हारे काम करने पड़ रहे हैं मुझे भी, इससे दासपन से मुक्ति कब मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी
कहते नहीं, अब बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या चाहिए तुम्हें, क्या ला दूं मैं तुम लोगों एक्सचेंज में, तुम जो बोलोगे मैं ला दूंगा ताकि मेरी माँ इस दासत्व से बाहर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें अमृत ला दो, हर व्यक्ति चाहता है जिंदा रहूं, कोई मरना नहीं चाहता, सांपों को भी यही चाहिए। कहते हैं आप हमें क्या ला दो, अमृत ला दो, अगर अमृत ला दोगे तो हम लोग दासता से मुक्त कर देंगे तुम्हारे माँ को। कहते पक्का, कहते हैं जी, कहते मैं लाऊंगा। गरुड़ जी माँ के पास गए, माँ भाइयों से आज बात हो गई है, ये तुम्हें दास के से मुक्त कर देंगे, मुझे क्या लाना है, अमृत लेकर आना है। तो माँ ने कहा बेटा तुम कहाँ से मिलेगा, बहुत दूर से, कहते जहाँ से मैं लाऊंगा। बेटा मेरे ये बताओ मैं खाऊंगा क्या, जब इतनी दूर जाऊंगा तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा कई तरह के निषाद मिलते हैं समुद्रों में ना, उन निषादों को खा के अपने पेट भर लेना और फिर आके चलना। कहते ठीक है माँ। तो ये गरुड़ जी ने लगाई छलांग, फिर ये उड़ते गए और समुद्र में जाकर हाहाकार मचा दिया, भोजन भूख चाहिए तो खा लिया कुछ, फिर आगे उड़ते हुए गए। तो क्या हुआ, इनकी माँ ने कहा था बेटा तुम जब भी कुछ खाओगे पियोगे ना ध्यान रखना कभी कोई ब्राह्मण का अपमान ना करना। अब देखो ये सांप, ये माँ है विनीता पक्षी, ये भी बच्चों को समझा रहे बेटा ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना कभी, वैष्णवों का अपराध नहीं करना कभी, है ना, कितना महत्व तो बताया जाता है शास्त्रों में। तो कहते ठीक है माँ ध्यान रखूंगा इस बात का। तो एक बार ऐसे जा रहे थे तो इन्होंने बहुत से वो खाए तो एक ना ब्राह्मण फंस गया उसके अंदर, वो मुंह में आ गया गरुड़ जी के। तो बस ब्राह्मण जी में आते ही उसका मुंह चलने लगा एकदम गरुड़ का, तो इतना चक्कर आया और नीचे उतर आया, छोड़ दिया, निकाल दिया। तो कश्यप मुनि जी का क्या था, आश्रम था। कहते रे पिताजी, तो प्रणाम किया। पिताजी कहते बेटे कहाँ जा रहे हो। कहते ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी माँ के साथ, दासी बन के काम कर रही है उनका, और मैं उनको छुड़ाने के लिए अमृत लेने जा रहा हूँ। कहते अच्छा वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हो, जाओ। कहते बेट खाने के लिए कुछ तो बताओ, ये निषाद खा के तो मेरा पेट ही नहीं भर रहा और बार बार उतरना पड़ता है। तो कहते बेटे काम करो तुम ना आगे चलो, एक बड़ा सरोवर मिलेगा तुम्हें, वहां पर तुम्हें 6 योजन ऊंचा हाथी मिलेगा और लगभग इतना ही लंबा चौड़ा वो हाथी है वो, और एक कश्यप मिलेगा जो 3 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा होगा। कहते उनको खा के तुम अपनी भूख मिटा लेगा। कहते हाँ ये कुछ लग रहा है। कहते लेकिन ये है कौन, इतने बड़े बड़े तो देखे नहीं कभी, ये कहाँ से आ गए। कहते हाँ इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो कश्यप ने कहा दोनों भाई थे, दोनों भाई थे और एक विवस्वानु करके था और एक सुप्रतीक था। तो कहते हैं कि जो विभानु था, जो वो थोड़ा सा क्रोधी घमंडी ऐसा था, जो सुप्रतीक था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन दोनों में प्रॉपर्टी बंटवारा के चक्कर में दिक्कत हो गई इनमें। कहते हैं कि इन्होंने जब बात करी आपस में कि हमारा बंटवारा कर लेते हैं, तो उसने दूसरे को शाप दे दिया। कहते हैं जी बंटवारा करेंगे तो क्या होगा, आपस में अगर हमारा संबंध ठीक नहीं रहेगा तो लोग इसका फायदा उठाएंगे, रिलेटिव फायदा उठाएंगे, तो तुम्हारी कुछ मुझे कहेंगे, मुझे तुझे कुछ कहेंगे, इससे हमारा आपस संबंध ठीक नहीं रहेगा, और तुम जो बंटवारे की बात करो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ हाथी बन जाओ। तो दूसरे ने कहा तुम हाथी बना रहे, या तू भी कछुआ बन जा, है ना। दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और तब से एक ही सरोवर में रहते रोज लड़ते ही रहते हैं आपस। तो कहते जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कहते अच्छा ये काम, चल ठीक है। गरुड़ जी पहुंच गए वहां पे। जब गरुड़ जी पहुंचे वहां पे तो इन्होंने, अब गरुड़ जी का तो आकार जितना मर्जी बड़ा कर ले, सिद्धियां प्राप्त थी शुरू से उनके पास थी, जब सारे देवता लोगों चकरा के, इतना बड़ा कौन सा पक्षी होता भाई, पंख यूं करे तो पहाड़ झरने सब हिलुला जाते, पेड़ वेड़ गिर जाते जब पंख ऐसे करते थे। तो उन्होंने कहा जब ये पहुंचे गरुड़ जी वहां पर, तो इन्होंने अपना आकार बढ़ाया था, तो देखा रे नीचे क्या है, हाथी, बड़ा हाथी और बड़ा सा कश्यप। तो उनको दोनों को ना अपने पंजों से पकड़ लिया और लेके उड़ने लगे। इसको खाऊं कहां, कहां खाऊं कहां, जगह ढूंढ रहे थे, कोई डाइनिंग टेबल नहीं मिल रहा था ढंग से,
कहाँ जाऊँ कहाँ खाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि कहाँ जाऊँ, तो उड़ते 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 एक बरगद का पेड़ देखा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल पेड़, सो जो का पेड़। कहते इसमें तो उन्होंने कहा भाई आप इसमें बैठ जाओ जी, आपको जगह नहीं मिल रही है ना, फिर कहाँ टाट बिछाएं कहाँ होगा। तो कहते इस पर बैठ जाओ, इस पर खा लो आप, हाथी और उसको। अब योजन का मतलब समझते ना, है ना, कितना कितना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े थे, वो पक्षी कितना बड़ा रहा होगा। कहते आप मेरी टहनी पे बैठो। तो गरुड़ जी उस बरगद के पेड़ पर बैठे और वो दोनों को जैसे खाने लगे तो इतना भार था वो धड़ाम से टहनी टूट गई, और सो योजन का पेड़ था इतना वो धड़ाम से नीचे गिरने लगे। जो नीचे गिर रहे थे पक्षी तो उड़ रहा था, तो गरुड़ जी ने देखा अरे जिस टहनी में ये गिरे हैं ना उसमें 6 ऋषि उल्टे लटके हुए जो तपस्या कर रहे थे उसमें। कहते ये भैया ये तो ब्राह्मण ऋषि इत्यादि है, तो फिर मेरे से अपराध हो रहा है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो टहनी को चोंच से पकड़ ली कि गिरने नहीं देना इनको भाई, और जो दोनों थे हाथी और कछुआ उसको पंजे से पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो खाना है मैंने। और फिर भी पंख मारे फिर उड़ा के बाहर लाए। तो कहते भाई कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने कहा भाई ऋषि थे वहाँ पर, उन्होंने कहा एक काम करो, पेड़ तुम्हारे बस का नहीं है, तुम एक काम करो गंदमाने पर्वत पर चले जाओ उधर। तो फिर वहाँ उतरे और ऋषि वगैरह को छोड़ दिया, उनसे पूछा भाई ये कौन, तो उनसे मांग माफ़ी मांगी कहीं क्रोधित ना हो जाए। तो उन्होंने बोला जी ठीक है हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ गंदमाने में चले जाओ, हम लोग पर्वत में जाके तपस्या कर लेंगे। तो उन्होंने तपस्या करने को, तो अब ये इन्होंने खाया पिया, इन्होंने फिर छलांग मारी, तो ये अब चले गए आकाश की तरफ उड़ते उड़ते। और जब वहां पहुंचे तो वहां पर इंद्र, इंद्र ने कहा इतना बड़ा पक्षी आया, तो इन्होंने क्या करा आक्रमण कर दिया। कहते क्यों आयो, कहते जी अमृत लेने आए, सुना तुम्हारे पास बहुत अमृत होता है। तो इंद्र परेशान, इंद्र ने कहा सुनो सारे मंत्रियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, कहा जी कलश है ना सब लोग इसके आसपास खड़े हो जाओ, सैनिक खड़े कर दिए, देवता खड़े कर दिए सारे, और सारे बाहर निकल आए गरुड़ से लड़ने के लिए। तो कभी वरुण देव पाश मारे, कभी कोई मारे, वो गरुड़ उनको कुछ हो ही नहीं, इतना भयंकर पक्षी उसको कुछ ना हो। इसने क्या करा अपना वो भी मार दिया वज्र फेंका। तो इंद्र को लगा यार ये कहते जिससे तुमने ये बनाया ना जिनकी हड्डी से, मैं उन वैष्णव की थोड़ी सी वो करता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ठीक है क्योंकि तुमने मेरे पे ये छोड़ा है तो मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ, पंख तो बहुत सारे होते हैं उसमें से एक गिरा देता हूँ उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो ये पंख गिरा दिया, सबको लगा भाई एक ही पंख गिरा है, मारने के लिए मारा था, कुछ हो ही नहीं रहा इसको। तो अब जी खूब युद्ध हुआ, खूब लड़ाई हुई, सबकी हालत खराब हो गई, और इंद्र को लगा कि अब तो गए। तो इंद्र ने पूछा कि भाई इतनी शक्ति कैसे कहाँ से, तो उन्होंने बोला जी मैं तो गरुड़राज हूँ और अपने बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, अपने मुँह से अपने बारे में बोलना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मित्र हो तुमने मित्रता कर ली है, मैं एक्चुअली ये जो पृथ्वी है ना पहाड़ पर्वत ये सारे प्लस तुम सारे देवताओं को भी ना मैं अपने पंख में लेकर उड़ सकता हूँ, पूरी पृथ्वी को भी और तुम देवताओं को। कहते अच्छा भाई ठीक है दोस्ती हो गई। कहते लो जी अपना अमृत उठा लिया उन्होंने, कहते मैं अपनी माता विनीता के लिए शाप से दासत से मुक्त करना इसलिए मुझे चाहिए, तो लेके जाने लगे। लेकिन खुद नहीं पिया गरुड़ जी ने, इतना महत्वपूर्ण अमृत जिसके लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, देवताओं के अंदर संग्राम इत्यादि हुआ, और जो नागराज सारे मांग रहे हैं 1000 कि हमें भी पीना है। तो कहते कमाल है अमृत लेके जा रहे हैं गरुड़ जी और पी नहीं रहे खुद, क्या सुंदर व्यवहार दिखाया हमने। तो क्या हुआ इंद्र के साथ जब बात हुई तो इंद्र ने उनको कुछ वो दिया, वरदान भी दिया उनको, और इतने में क्या हुआ आगे भगवान विष्णु मिले गरुड़ जी को। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि तुम जो ये अमृत लेके जा रहे हो खुद नहीं पी रहे हो, मतलब पूरी दुनिया इस लालच में रहती कि हमारी उम्र बढ़ जाए और गरुड़ जी अपनी माता की भक्ति में नहीं पी रहे, तुमको बड़ा अच्छा लगा विष्णु भगवान। तब वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है कि तुम जो हो एक दो वरदान दिए गरुड़ जी को,
इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और अपनी माँ को छुड़ा लोगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारा बल ये सब बड़ा रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि दो वरदान तो विष्णु ने दिए, फिर विष्णु के बाद गरुड़ जी ने भी कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। विष्णु को बोला गरुड़ जी ने कि तुम भी कुछ मांग लो। कहते हाँ, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे चाहिए, आप अगर मेरे वाहन बन जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। कहते ठीक है, बस मैं काम निपटा के आता हूँ, उसके बाद आपका वाहन के रूप में सेवा करूँगा आपकी। तब से गरुड़ जी को भगवान ने उस सेवा के बाद अपने पास रखा। और यहाँ से ये कलश लेकर, जब क्योंकि उनसे बात हुई थी इंद्र से, तो इंद्र ने कहा था भाई तुम हमारा ये लेकर जा रहे हो अमृत, तुम जिसको भी पिलाओगे, क्योंकि अमृत के पीछे इतने झगड़े होते हैं, और जो भी पिएगा वो कल को इतना बलशाली हो जाएगा, वो हमारे को पीटेगा आकर, हमें ही दुखी करेगा, तो तुम तो हमारे साथ नुकसान कर रहे हो, मित्र तो हो गए अब हमारे। तो उन्हें कहा था नहीं नहीं, तुम एक काम करना, जब मैं अपने भाइयों को दूंगा ना नागराजों को, तो तुम क्या करना, इतने में पीछे से आके ये गायब कर लेना, पहले मैं अपनी माँ को छुड़ा लूँ, तुम ले लेना इसको। कहते हैं ये आइडिया अच्छा है। तो जब ये लेकर पहुंचे तो वहां पर सारे भाई इकट्ठे हुए, कहते हैं जिले आए, कहते जिले आए, कहते लो जी कलश, कहते यहाँ रखा है, पहले तो काम करो, देखो मैं तुमने मांगा था ले आया, ये बोला था कि हम लोगों को अमृत ला दो, अमृत ला दिया। कहते हाँ जी ला दिया। कहते अब तो मेरी माँ मुक्त हो गई, तुम्हारे दास के लिए मुक्त हो गई, वचन दे दिया। कहते ठीक है। कहते लेकिन तुम उसको एकदम ऐसे मत पियो, पहले स्नान इत्यादि कर कराओ, निवृत्त होकर अपने काम से, उसके बाद पीना इसको। कहते हाँ ठीक है। सारे सांप स्नान करने चले गए, ठीक है कि नहीं। तो जो स्नान इत्यादि किया, जो वापस आए, तो उससे पहले इंद्र वहां पहुंच गए, है ना। इंद्र वहां पहुंच गए जहां कुशा पे रखा था, और इंद्र जो है वो अमृत का कलश लेके गायब। जब सारे नाग पहुंचे, कलश कहाँ है, कलश कहाँ है, कलश कहाँ है, तो सब हैरान हो गए, अमृत चला गया, बड़ा गुस्सा आया उनको। फिर उनको लगा चलो जहां पर कलश पड़ा था, जिस कुशा ग्रास पर पड़ा था, अमृत के कुछ प्रभाव तो होगा उस पर, उसकी कोई बूंदे गिरी हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, तो चलो हम घास कुछ सूंघ ले, खा लें। तो ये सारे के सारे अटैक करके घास पर, लकड़ी की होती थी, तो जैसे इन्होंने घास खाई तो इनकी जीभ छिल गई, सबकी जीभ दो दो भाग में बट गई, क्योंकि इनको लगा कि अमृत है इसमें ना, तो उनकी जीवा कट गई। तब से जितने भी सांप हैं, इन्हीं की प्रजातियों में जो सांप आते हैं, उनकी जीवा हमेशा दो भागों में कटी होती है। और अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दो दो वो हो गया, और जो घास थी कुशा ग्रास, क्योंकि उस पर अमृत रखा था, इसलिए घास जो है ग्रास, कुशा ग्रास, ये पवित्र मानी जाती है। उससे इसलिए हम लोग पूजा में, अनुष्ठान में बैठने के लिए, तपस्या के लिए कुशा ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ग्रास इसलिए हो गई। तो इस प्रकार बताते हैं, जो सांपों ने या गद्रु ने जो गलत किया था अपनी बहन के साथ, विनीता के साथ, इस दोष के चलते गरुड़ जी हमेशा उनके शत्रु बने रहे। इसलिए आज भी गरुड़ जी को ऐसा वरदान है कि ठीक है तुम्हारा भोजन सांप होंगे, ये महर्षियों ने बोला था कि तुम खा सकते हो। तो इस प्रकार से तब से वो इन सांपों को खाते हैं, और अपनी माता विनीता को उनके दासत्व से मुक्त कराया, कुशा ग्रास का बता दिया, सांप की दो जीवा का बता दिया। तो इस प्रकार इस कथा में पूरा वो बन। तो माता की भक्ति बड़ी अच्छी दिखाई दी इसमें, उनके द्वारा, गरुड़ जी के द्वारा। अब अगले, तब से ये गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन के रूप में हर जगह, तो जहाँ पर भी जाना होता है भगवान को, हर जगह पहुँचते। तो गरुड़ जी को कहते हैं ये मन की गति से भी तेज चलते हैं, इतना बड़ा आकार है, जब चलते हैं उड़ते हैं तो वैदिक ऋचाओं की साउंड इनके उनसे निकलती है, इतने अच्छे बात है। लेकिन भगवान के हमेशा अपने शरीर पे लेके उड़ते हैं, जहाँ भी जाना है भगवान को, जहाँ भी युद्ध पे जाना है, कहीं भी जाना है, किसी भक्त पे कृपा करनी है, लेकिन भगवान हमेशा गरुड़ जी लेके, तब से भगवान की सेवा ले रहे हैं। लेकिन कई बार भगवान के भक्तों में भी अहंकार आ जाता कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जैसे सुदर्शन चक्र को भी लगा कि मैं भगवान के साथ रहता हूँ और मैं सबका वध तो मैं ही करता हूँ, है ना। तो सुदर्शन चक्र को भी लगा, एक बार गरुड़ जी को भी लगा,
कि हर जगह भगवान को मैं लेके जाता हूँ, अगर मैं ना हूँ तो भगवान थक जाए चल ना पाए, है ना, थोड़ा सा फील हो जाता है कई बार। एक बार सत्य भामा बैठी थी साथ में कृष्ण के, तो उनको भी लगा कि मैं जो हूँ, जब भगवान राम आए थे तो सीता जो है उनके साथ बड़ी सुंदरी थी, तो क्या मैं सीता से कम हूँ? तो एक बार भगवान ने कहा ठीक है तीनों के टेस्ट इकट्ठे ही ले लेते। तो भगवान ने कहा ठीक है काम करते हैं, गरुड़ जी तुम जाओ और हनुमान को बुला कर लेकर आओ, मैं यहाँ पर राम का रूप धारण करके बैठता हूँ और सत्यभामा तुम सीता का रूप धारण करके बैठ जाओ, तो जो तुम्हारा मन में जिज्ञासा वो भी ठीक हो जाएगी। कहते ठीक है जी। और सुदर्शन को कहा देखो तुम ना बाहर खड़े हो जाओ, जो हनुमान जी आए उनको अंदर मत आने देना। कहते जो आज्ञा। तो एक तीर से तीन शिकार किए भगवान ने। इधर गरुड़ जी पहुंचे एकदम हवा की गति से, मन की गति से वहां पर हनुमान जी के पास और कहा हनुमान जी, कहते जी, कहते मुझे भगवान ने भेजा है, क्योंकि उनको बता रहा बोला श्री राम ने बुलाया नहीं तो आएंगे नहीं वो। कहते हाँ मुझे श्री राम ने भेजा है। कहते जय हो, जय श्री राम। कहते जय श्री राम। कहते आपको बुलाया है? कहते मुझे बुलाया मेरे प्रभु ने। कहते हाँ। कहते ठीक है तुम चलो मैं आ रहा हूँ। कहते नहीं नहीं मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें एक क्षण में वहां पहुंचा दूंगा। कहते नहीं नहीं तुम चलो मैं आ रहा हूँ। कहते यार क्या है, वो चल पड़े। और इधर जब गरुड़ जी वापस आते हैं तो देखते हैं अरे राम के पास कौन बैठे हैं, हनुमान जी मेरे से पहले पहुंच गए, मेरे से तेज भी कुछ चल सकते हैं। तो गरुड़ जी का क्या हो गया, अहंकार खत्म हो गया। यार क्या है। और फिर जब वो अंदर आए हनुमान गरुड़ जी भी तो बातें सुन रहे थे, राम पूछ रहे थे, कहते हनुमान जी तुम्हें किसी ने रोका नहीं रास्ते में? कहते हाँ महाराज तो कुछ गोल गोल सा घूम रहा था, मेरा रास्ता रोक रहा था, वो एक मुंह से निकाला, कहते लीजिए ये रहा आपका सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र कहता यार कमाल ही हो गया, मैं सोचता था मैं सब कुछ करता हूँ, ये तो नन निपटा दिया मेरे को। तो फिर हनुमान जी कहते भगवान ये बातें तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि आज किस दासी को आपने अपने साथ बिठा रखा है, सीता माता कहाँ है? सत्य बाबा पानी मारी हो गया भगवान, मैं सोचती थी कि मैं भी सीता की तरह ऐसा सुंदर हूँ। देखिए राम बन बैठे हैं साथ में और मैं सीता बनकर बैठी हूँ, तो उसने मुझे दासी बोल दिया और ये कृष्ण को नहीं पहचान पाई, तो राम और कृष्ण को अंतर नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने तीनों का अहंकार खत्म किया, क्योंकि भगवान पसंद नहीं है कि उनके भक्तों में कहीं पर भी अहंकार हो, कोई भी कलमश हो हृदय में, क्योंकि ये हमारी भक्ति में भी अवरोध है और भगवान और हमारे बीच में जो संबंध है उसमें भी क्या है, सबसे बड़ा अवरोध है। अगर भक्त का हृदय साफ नहीं है तो भक्ति नहीं हो पाती। थोड़ा सा भी कलमश है, अहंकार है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भक्तों के प्रति अपराध है, तो मजा नहीं आता। इसलिए जन्मों जन्मों से जो हमने अपने मन में इतनी कंडीशनिंग जमा की हुई है, आहार निद्रा भय मैथुन की, ईर्ष्या द्वेष की, लाभ हानि की, अपमान इत्यादि की, कि ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, उसको ऐसा क्यों, ये कि 50 चीजें हमारे दिमाग में, ये सब बेकार की चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है रियलिटी से। लेकिन हम इन्हीं को लेकर परेशान, दुखी, शिकायत इन्हीं से रहते दुष्ट, जबकि इनका कोई मूल्य नहीं है। आत्मा का कोई लेना देना है क्या संसार की किसी चीज से? ना सटल चीजों से, ना ग्रॉस चीजों से। और हमारे दुख और तकलीफें क्या हैं, सटल और ग्रॉस। खाने को नहीं मिला, खाने में ठीक नहीं मिला, वहां नहीं लेके गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं करा, शरीर से संबंधित समस्या, या फिर उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा, ये दोनों चीजें हमारे से संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंधित नहीं है और भगवान से भी संबंधित नहीं है, लेकिन हमारी सारी समस्याएं से। और कुछ कर करा लें तो उसका अहंकार, उसका घमंड, उसकी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं कुछ अच्छा हूं, मेरे को ये है, मुझे वो है। तो भगवान को पसंद नहीं है भक्तों में ये सब। इसलिए जो सेल्फलेस है, जो सरल है, जिसने अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लिया है, केवल ऐसे लोग भगवान को पसंद है। मक्खन जैसे हृदय वाले, है ना, चाकू डालो और शुरू करके कटता है। तो
भगवान को ऐसे हृदय पसंद है। और जब जब उनके भक्तों में, उनके सेवकों में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो भगवान स्वयं उस चीज को ठीक करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। और जब मीडिएटर्स जो हैं, सॉरी जो मिडिल क्लास भक्त है, जो स्टेज में मिडिल स्टेज पर, उनके अंदर आता है ऐसी समस्याएं, दुख तकलीफें आती हैं, ईर्ष्या द्वेष और घमंड आता है, तो वो भगवान सिचुएशंस के द्वारा ठीक करते हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि वे कितनी प्रॉब्लम है, कितना आगे बढ़ना है, वे क्यों दुख हो रहे हैं। तो वो आपस के संबंधों में उससे उठी हुई समस्याओं के द्वारा भगवान उसको ठीक करते हैं कि देख अभी तेरे को कितना आगे बढ़ना है, देख अभी तेरे अंदर सब टॉलरेंस नहीं आई, अभी देख तेरे अंदर ईर्ष्या नहीं गई, देख तेरे अंदर अभी मान सम्मान की भावना नहीं गई। तो दूसरे लोग चार सम्मान देंगे, तीन उसको उसका निरादर कर देंगे, तो तुरंत को लगेगा है क्या हो गया। तो ये सब चेक होती है भक्तों की। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को बहुत क्लोजली सुपरवाइज करते हैं और चाहते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार कल्मश ना रहे, किसी के प्रति वैमनस्य ना रहे, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना न रहे, अर्थात उत्तम अधिकारी उस स्तर पर रहे कि जहाँ वो हर व्यक्ति को सम्मान दे, हर व्यक्ति के साथ प्रेम करे, किसी के अंदर भी दोष ना देखे, जो सहन करना है मुझे सहन करना है, जो गलती है, जो चीजें आ रही हैं मेरे कर्मों की वजह से आ रही है, इस प्रकार तत्त्वानुकंपा सुसुमिक्षमा, ऐसी चेतना रखते भक्त। और ऐसे भक्त गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम जाते हैं। रूपा जी प्रपट में लिख रहे हैं, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव को जगा दी, स्थान दिया, और उसके बाद श्लोक कोट करें, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत, अपने धाम चले गए, जहां पर जाने के बाद कोई वापस लौटता नहीं। कौन लौटेगा भैया वापस? आप सूअर के तबेले में है तो भयंकर दुर्गंध आ रही है, अचानक आपको एक साफ सुथरे कमरे में फ्रेग्रेंस के साथ वहां डाल दिया जाता है, तो वहां जाने के बाद व्यक्ति क्या उस तबेले में वापिस जाए? कभी नहीं जाए। इसलिए कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस कमरे में, सुगंधित कमरे में जाने के बाद व्यक्ति लौटकर उस तबेले में नहीं आता, तो कौन आएगा ऐसी गति जगह? उसी तरह जब हम लोग अपने को पवित्र कर लेंगे, ऐसे योग्य बन जाएंगे, तो गुरु हमें कहां ले जाएंगे? उस धाम में, यत गत्वा न निवर्तन्ते, फिर कोई वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्ति को वही स्थान पसंद होगा ना जहां पर सबकी चेतना एक जैसी हो, हेल्पिंग नेचर हो, सर्विंग मूड हो, ईर्ष्या द्वेष रहित हो, और भगवान की सेवा ही, भगवान के विषय ही कथा गुणगान इत्यादि करते रहे। वो स्थान यत गत्वा, वहां जाने के बजाय केवल कानों के लिए, जिवा के लिए, सारी इंद्रियों के लिए पूर्ण संतुष्टि है, भला वह छोड़कर व्यक्ति यहाँ क्यों आए? इसलिए भगवान अपने धाम में वापस चले गए जहां पर ऐसी चेतना के लोग हैं। जब तक हमारी चेतना वैसी नहीं होगी तब तक हम वहां नहीं जा सकते। इसलिए यत गत्वा न निवर्तन, वहां जाने के बाद भी लौट कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे वातावरण में कौन नहीं रहना चाहेगा, कौन नहीं रहना चाहेगा? गोलोक वातावरण में, वैकुंठ वातावरण, जहां कुंठा नहीं है। तो इसलिए इस संसार में हम लोगों को मनुष्य योनि मिलती है अपने को तैयार करने की, उसमें भी बड़ा कम समय मिलता है, 50-60-70 साल, उसमें 5-7-4 साल ही भक्ति कर पाते हैं, उतने में सारे अनर्थ खत्म करने, पवित्र होना है, सारी चीजों को सहन करना है, कीर्तन ये सदा हरि करना है, तब जाके एंट्री है। और नहीं कर पाए नो प्रॉब्लम, फिर एक जन्म और होगा, सिचुएशंस और खतरनाक हो चुकी होंगी, जैसे आज से 50 साल पहले जो मरे या 20-30 साल पहले जो गए, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी कम थी, वो थी, मटेरियलिज्म इतना नहीं था। उसके बाद अब जो सिचुएशन है बड़ी दुविधा है, अभी पुराना नया दोनों दिख रहा है, आने वाले टाइम में सिचुएशंस क्या होंगी? और मुश्किल हो जाएंगे। जब और जो है सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समय है उसे कहाँ लगाना चाहिए?
भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, वैष्णव की सेवा में और अपने को शुद्ध करने में चेक कराते रहना चाहिए। कहीं कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, बात करनी चाहिए, पूजी क्या हो गया, ऐसा कर दिया तो ठीक कराओ उसको, ताकि कोई हमें ठीक करे कि मेरे अंदर यह अनर्थ क्यों प्रकट हो गया। इतनी मेहनत कर कर, इतना समर्पण दिखा करते हैं, सेवाएं कर कर भी कुछ कलमश छुपा के रखेंगे दिल में, गड़बड़ आ जाएगी, तो निकलनी चाहिए। हम लोग अपने आप को तो सर्टिफिकेट दे देते हैं दैट आई एम द प्योर डिवोटी, आई एम द बेस्ट, लेकिन हमने दिया है वो भगवान और भक्तों की तरफ से नहीं मिला है। तो हो सकता है कि मैं सेवाएं अच्छी कर रहा हूँ, टारगेट अच्छे पूरे कर रहा हूँ, है ना। सब लोग भी यही बोलते हैं मुझे बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन इनके कहने पे थोड़ी जाएंगे। गुरु वैष्णव और वो जब संतुष्ट होंगे तब भगवान की यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण की। प्रश्न जी क्या सर जी, ये स्टोरी नहीं, ये महाभारत में है। महाभारत में दूसरे कृष्ण हरे राम हरे राम।